चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में जानेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जान चुके हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। और इससे जो भी रिलेटेड टॉपिक है उन सभी टॉपिक के बारे में हम लोग इससे पहले वाले क्लास में जान चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट के बारे में जानना, ये ऑब्जेक्ट क्या चीज है। हम लोग डेली लाइफ में तो ऐसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी जो थिंग्स होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कह देते हैं। लेकिन इन द फिजिक्स, फिजिक्स में यहां पर स्पेशल टाइप के थिंग को ऑब्जेक्ट कहा गया है, ठीक है। तो वो क्या है उसी को देखते हैं। कहा गया है कि ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है, तो एनी थिंग विच गिव आउट लाइट रेज, यानी कि हम लोग जो देखते हैं अपने आस पड़ोस में जो भी थिंग्स को, यदि वे थिंग्स क्या करता है, लाइट रे प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, तो वैसे ही थिंग्स को हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब वो ये नहीं कहा गया कि जो लाइट रे है वो खुद से ओवन का यानी कि प्रोड्यूस करे, ऐसा तो नहीं है। जैसे हम लोग पेन जानते हैं, पेन भी एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर हम लोग ऑब्जेक्ट इसको भी कहेंगे। उसी प्रकार से वाल को भी हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे, चेयर को भी ऑब्जेक्ट कहेंगे, बुक को भी ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी कि हम लोग अपने आसपास में हर एक थिंग्स को ऑब्जेक्ट ही कहेंगे, ठीक है। क्यों कहेंगे, क्योंकि वे ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या करता है, लाइट देता है, लाइट रे देता है। बोलेगा ये पेन कैसे लाइट रे देता है, अगर ये पेन लाइट रे नहीं देता तो हम लोग इस पेन को नहीं देख पाते, इसको देख पा रहे हैं इसका मतलब ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ये खुद से उत्पन्न नहीं कर रहा, वो अलग है, लेकिन ये लाइट रे प्रोड्यूस कर रहा है और ये लाइट रे हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, इसके कारण हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। इसीलिए लिखा गया कि ये लाइट रोज जो है निकालता होगा किस, खुद का, स्वयं का या रिफ्लेक्टेड। हम लोग जानते हैं ये तो अपना लाइट तो क्रिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है किसका, जैसे हम लोग जानते हैं कि सूर्य का लाइट इस पर पड़ता है या अन्य कोई भी लाइट इस पर पड़ता है, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्ट करेगा तो इसी रिफ्लेक्ट लाइट ना हमारे आंखों में आएगा, ये कोई दूसरा लाइट आएगा, तो इसका जो रिफ्लेक्ट लाइट हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट के नाम से जान रहे हैं। इसीलिए बताया गया ऑब्जेक्ट एनीथिंग विच गिव है ना, गिव्स आउट लाइट रेज ओवर और रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। एज एग्जाम्पल बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, आवर फेस हो गया, है ना, बुक हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, वॉल हो गया, है ना, ट्री हो गया, एंड अदर थिंग्स, ऑल देम आर ऑब्जेक्ट्स। नाउ अब हम लोग जानेंगे कि इमेज क्या है। इमेज जिसको हम लोग फोटो कहते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में हम, हिंदी में हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। इमेज होता क्या चीज है, तो यह इमेज जो होता है एक आपका ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशीय छाया होता है, प्रकाशिक छाया, मतलब समझ रहे हैं, ऑप्टिकल शेडो कह सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी मिरर को देखते हैं, प्लेन मिरर देख ले या अदर स्फेरिकल मिरर देख लेते हैं, उस स्फेरिकल मिरर में होता क्या चीज है ना, हम लोगों का एक छाया बन जाता है, प्रतिबिंबन बन जाता है, ठीक है, शेडो बनता है, और उसी शेडो को हम लोग इमेज के नाम से जानते हैं। शेडो वही इमेज कहलाता है, और वो किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, तो आपका मिरर के द्वारा फॉर्मेट होता है। तो कैसे होता है, ये देखिए, कहा गया कि इमेज क्या है, इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस, ऑप्टिकल यानी कि प्रकाश के द्वारा, यानी प्रकाश का जो छाया, प्रकाश के सहायता से जो छाया बना है उसी का यहाँ पे ऑप्टिकल वर्ड यूज किया गया, ठीक है। अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, जब हम लोग क्या करते हैं किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाते हैं, तो मिरर के सामने जब खड़ा होते हैं तो हम लोगों आवर फेस के ऊपर क्या होता है, लाइट रे कहीं बाहर से आ रहा होता है, हमारा फेस क्या करता है, उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है तो वो मिरर पर पड़ता है,
मिरर क्या करता है, उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, और वे लाइट रे जो होता है या तो कहीं पर जाके एक दूसरे को मीट करता है या मीट करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। और जहां पर मीट करता है या जहां पर मीट करता हुआ प्रतीत होता है वही हमारे फेस का क्या हो जाता है, इमेज बन जाता है, एक छाया बन जाता है, और उसी छाया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इमेज के नाम से जानते हैं। इसीलिए कहा गया है इमेज इट इज एन ऑप्टिकल अपेयरेंस प्रोड्यूस, ये क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है कैसे, व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, मिरर के द्वारा क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है टोटल के टोटल रे को, ठीक है। फिर बताया गया है कि ये जो इमेज होता है ये दो प्रकार का होता है, टू टाइप का होता है, द इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट आपका एक रियल इमेज आता है, सेकंड आपका वर्चुअल इमेज आता है, ये आपका नेम है जिसको हम लोग हिंदी में काल्पनिक इमेज या आभासी इमेज बोलते हैं, और रियल इमेज को हम लोग वास्तविक इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होता क्या चीज है, इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे वो देखिए, द रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज, यानी कि वैसा इमेज जिसको हम लोग किसी भी स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं, ऑब्टेंड मतलब क्या होता, प्राप्त करना है ना। हम लोग एक इमेज देखें इसमें मिरर में क्या लगता, हम खड़ा हुए मिरर के सामने, मिरर में क्या हुआ, इमेज बना, इमेज बना तो क्या लगता हम लोग इस दीवार पर उस इमेज को बना पाएंगे, खुद ब खुद बनेगा, पर्दा पे हम लोग क्या लगता है वो जो मिरर के अंदर जो इमेज बना उस इमेज को हम लोग किसी स्क्रीन पर उतार पाएंगे, नहीं उतार पाएंगे। तो जिस भी इमेज को हम लोग पर्दे पर या स्क्रीन पर क्या करते हैं, हम लोग ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो वैसे इमेज को हम लोग क्या कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। जैसा एग्जाम्पल में हम लोग कैसे कह सकते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम लोग सिनेमा हॉल गए तो सिनेमा हॉल में हम लोगों को इमेज दिखाई देता और वो इमेज जो होता रियल इमेज होता, क्यों होता रियल इमेज, क्योंकि उसको हम लोग पर्दे पर फाइंड आउट कर लेते हैं, ऑब्टेंड कर लेते हैं, समझ में आ रहा रियल इमेज क्या है। जिस भी इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन पर है ना, पर्दा पर या वॉल पर, तो वैसे ही इमेज को हम लोग रियल इमेज के नाम से जानेंगे। हम लोग जो इमेज आपका मिरर में देखते हैं वो इमेज रियल इमेज नहीं, कारण क्या है, कारण यही है उसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेंड नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से सिंपल में डिफाइन कर सकते हैं है ना, द इमेज विच कैन ऑब्टेंड है ना ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, वही यहाँ पे डिफाइन भी वही किया गया है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेंड ऑन अ स्क्रीन और पर्दा या वॉल इज कॉल्ड रियल इमेज। एग्जाम्पल द इमेज फॉर्मेड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। तो इसको हम लोग जैसे वो इमेज जो है कहीं पर भी लिया गया बना गया उसको हम लोग पर्दे पर उतार लिए, क्या लगता है हम लोगों का इमेज आया कहाँ पर, मिरर के अंदर, उस इमेज को तो हम लोग पर्दा पर उतार नहीं सकते, हम लोग क्या होगा वहां पर खड़ा रहेंगे तभी हम अपना इमेज देख पाएंगे, लेकिन हम लोग तो बाद में ऐसा होगा कि नहीं मिरर से हट के चले आए सामने में दीवार के पास या इसी के पास चले आए हम अपना इमेज देख पा रहे हैं क्या, नहीं देख पा रहे। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि रियल इमेज क्या होता है। चलिए अब आता है सेकेंड आपका वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज और ये जो है ना रियल इमेज आपका बनाया जाता है किसके द्वारा, तो हम लोग पढ़ेंगे कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर होता है एंड कन्वेक्स लेंस होता है। इस कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर इस दोनों के द्वारा जो है आपका है ना रियल इमेज बनता है। और हमारा आईज होता है ना, आईज, आईज के अंदर में भी रियल इमेज बनता है, आईज के अंदर में रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज जो होता है ना सदैव उल्टा होता है, रियल इमेज उल्टा, यानी कि हम लोग जैसे
वस्तु को हम लोग ऐसे खड़ा कर लेते हैं तो जो रियल इमेज बनेगा ना वो जस्ट ऐसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो सर मिरर रियल इमेज होना चाहिए, मिरर में रियल इमेज कैसे? वो भी तो उल्टा बनाता है। उल्टा कहाँ बनाता है? वो तो 500 वो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, वो उल्टा नहीं बनाता। हम लोग ऐसे खड़ा हो जाते हैं मिरर के सामने में, क्या होता है, मुंडी नीचे दिखाई दे रहा, पांव ऊपर दिखाई दे रहा, ऐसा है क्या? फिर कैसे हो गया उल्टा? जो मतलब कि परमानेंट रह जाता है वो इमेज, परमानेंट रह जाता है वो इमेज। कौन सा इमेज रह जाता है? जी कोई भी इमेज हुआ, हम मान लीजिए हम लोग फोटो क्लिक किए, हाँ। वो इमेज रह गया तो वो इमेज मतलब रियल इमेज कहलाएगा। अब मान लीजिए सिर्फ हम लोग स्क्रीन के पास लेकर चढ़ा दे, क्लिक नहीं किए, अब वो इमेज मतलब रियल इमेज नहीं कहलाएगा। हाँ, चूंकि हम लोग उसको पर्दा उतार सकते हैं, बाद में उतार सकते हैं। और जो हम लोग मिरर में देख रहे हैं, मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, रियल इमेज कैसे बनेगा? वहां पे हम लोग ऐसे खड़ा है तभी देख पा रहे हैं, फिर हट जाएंगे तो उसमें जो पर्दा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, उल्टा नहीं होगा। तो सर आईज में सर कहाँ सेट रहता है इमेज? इमेज हम लोग आईज के बारे में पढ़ेंगे, आपका इसमें चैप्टर भी है, ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आईज में जो होता है ना एक लेंस लगा होता है, कन्वेक्स लेंस लगा होता है, और कन्वेक्स लेंस क्या करता है जो है ना वो रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज आंख का दृष्टि पटल होता है, ठीक है, उस दृष्टि पटल के रेटिना होता है, रेटिना पर बनाता है। और यानी कि इमेज जो होता है ना रियल इमेज बनता है, यानी उल्टा इमेज बनता है, लेकिन माइंड जो है, मस्तिष्क जो है, उसको सीधा समझ लेता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो रियल इमेज आपका ये है ना जो सिनेमा हॉल में बनता है वो आपका रियल इमेज है। कनकेव मिरर के द्वारा बनेगा, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, और कन्वेक्स लेंस के द्वारा बनता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जिसको हम लोग है ना ऑब्टेंड नहीं कर पा रहे हैं किस पर, ऑन द स्क्रीन, द इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जस्ट लाइक द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। हम लोग प्लेन मिरर या स्फेरिकल एनी कोई भी मिरर के सामने खड़ा हो जाएंगे तो जो हम लोगों का इमेज बनेगा वो इमेज आपका वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि हम लोग उस जिस समय देखेंगे उसी समय मेरा इमेज बनेगा, ठीक है, उसके बाद तो नहीं बनने वाला। बनेगा क्या? मिरर के सामने खड़ा है तो देख रहे तो बन रहा है, तो नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग समझ में आ गया कि द वर्चुअल इमेज को क्या नहीं कर सकते हैं, ऑब्टेंड नहीं कर सकते ऑन द स्क्रीन। यही चीज आपका रियल और आपका रियल और वर्चुअल को डिफाइन कर पाता है, ठीक है। तो अब दिखाया गया फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। हम लोग जो प्लेन मिरर जो घर में रखते हैं आईना, उसमें कैसे इमेज बनता है उसको समझते हैं। ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट को पढ़ें, ऑब्जेक्ट जो होता है दो तरीके का होता है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, एक लार्ज ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग यहाँ पर स्मॉल ऑब्जेक्ट का फिगर बनाएंगे, एक लार्ज ऑब्जेक्ट भी आता है उसका भी हम लोग इस प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनाने के लिए सीखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग एज अ पॉइंट मान लेते हैं। जैसे क्या लगता है, सन, सन इज अ लार्ज है ना, बहुत ही बड़ा होलो स्फीयर है ना, लेकिन वो क्या लगता है यहाँ से एकदम छोटा। या उसी प्रकार से स्टार्स इज ऑल्सो लार्ज स्फीयर, बट हम लोगों को क्या दिखता है, छोटा पॉइंट जैसा। तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट जैसा, ठीक है। स्मॉल ऑब्जेक्ट lies in the front of plane mirror, MMS. ये आपका MMS is a plane mirror, and object जो lies कर रहा front of mirror, ठीक। तो इसका इमेज बनेगा, कब बनेगा? इस इमेज पर क्या होगा, बाहर से लाइट आया, इस ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, पड़ेगा ऑब्जेक्ट पर, जैसे ही पड़ेगा तो क्या करेगा, लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा। जब ये लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा तो इसके सामने क्या मिरर है, चारों दिशाओं में ये करेगा, ठीक है। हम यहाँ पर दो ही, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना हो तो हम लोग वनली फॉर वनली टू लाइट रेज लेते हैं, और टू राइट यानी लाइट रेज की सहायता से हम लोग क्या कर पाते, इमेज बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट से है ना ऑल डायरेक्शन में बहुत सारा आपका लाइट रेज निकल रहा होगा, ठीक, लेकिन हम लोग केवल और केवल टू रेज लेते हैं इमेज बनाने के लिए।
आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, है ना, दोनों रे आप नीचे भी ले सकते हैं, हर एक कंडीशन में आपका इमेज बन जाए। तो हम लोग रूल पढ़े हुए हैं, क्या एक रूल पढ़े हैं, इससे एक इमेज यानी कि लाइट रे निकला ए ओ बी, तो ओ से बी डायरेक्शन में लाइट रे, देखिए ये वाला आ रहा है और ये प्लेन मिरर है, तो आपको लग नहीं रहा कि ये प्लेन मिरर पर नॉर्मली फॉल हो रहा है ना, तो ये ओ बी लाइट रेज है, नॉर्मली फॉल हुआ ऑन द प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, ये क्या जाएगा सेम पार्ट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो भी लाइट रे किसी भी मिरर पर पड़ता है वो क्या होता है रिफ्लेक्ट हो जाता ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर जो वस्तु होगा या आंख होगा ऑब्जेक्ट होगा है ना, जो कोई देखेगा उसको लगेगा क्या ये वाला लाइट जो है ना इस बिंदु से आ रहा है ना, जैसे हम लोग क्या करें मिरर ले लें, मिरर से हम लोग धूप में रख दे, धूप से हम लोग क्या करें ऐसे दिखाएंगे, हम लोगों को लगेगा कि जो लाइट रे जो है वो कहाँ से आ रहा है, उस मिरर के अंदर से आ रहा है, लेकिन क्या रियल में ऐसा होगा मिरर के अंदर से लाइट निकलता है क्या, नहीं ना, तो लेकिन आंखों को लगेगा क्या ये जो लाइट रे है बी ओ ये इस बिंदु से आ रहा है, ऐसा प्रतीत होगा लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा। फिर ये क्या होगा आपका यहाँ से ओ पॉइंट से क्या होगा ये निकलेगा और ये सी डायरेक्शन में आएगा, तो ओ से सी डायरेक्शन में आया तो मिरर के द्वारा क्या होगा रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा तो इस डायरेक्शन में चले जाएगा और यहाँ पे आईज है ना, आंख को लगेगा क्या ये जो रे है ना पीछे इस बिंदु से आ रहा, तो हम लोग क्या किए हैं जो लग रहा है पीछे वाला उसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से है ना टूटी हुई रेखाओं से दिखा देते हैं और ये दोनों रे एक दूसरे को इस पॉइंट पर एक दूसरे को कटिंग कर रहा है, ठीक, तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट ओ का ये प्रतिबिंब बन गया आई, इमेज बन गया, क्या बन गया है इमेज, तो जहां पर ये दो लाइट रेज क्या करता है एक दूसरे को मिलता है यानी काटता है या मीट करता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है वहीं पे क्या होता है ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा होता है, तो इस तरीके से हम लोग क्या सीख लिए इमेज कैसे बन रहा है प्लेन मिरर में वो भी जान लिए, ठीक है, ये प्लेन मिरर है ये आई था, तो एन इमेज ऑफ दिस ऑप्टाइक है ना इज नोन एज वर्चुअल इमेज, और इस प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बना है उस इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे, ठीक है, और द इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इन टू द मिरर, और इस प्रकार का जो इमेज होता है इस इमेज को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे मिरर को देखना होगा, जब तक मिरर को देखेंगे नहीं इमेज हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो वर्चुअल इमेज क्या हो गया रियल इमेज क्या होगा हम लोग उसके बारे में जान लिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लिए।